दोस्तों, व्हेल और सील मछली का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये मछलियां जहां अपने विशालकाय शरीर और अन्य कारणों से लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वहीं कुछ ऐसी मछलियां भी हैं जो अपने शिकार को फंसाने के लिए बिजली का झटका मार देती है। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, शायद आपको इस बात पर ताजुब हो कि मछली करंट का झटका कैसे दे सकती है, पर यह सच है। इलेक्ट्रिक ईल की गिनती वास्तव में नाइफ फिश परिवार के सदस्य के रूप में होती है। यह मछली मुख्य रूप से रात में शिकार करती है और नील नदी में पाई जाती है। यह अपने शरीर से लगभग 600 से 860 वोल्ट का करंट जनरेट कर सकती है, जिससे छोटी मछलियां तुरंत मर जाती है और यह मछली उन छोटी मछलियों को अपना भोजन बना लेती है। मछलियों द्वारा उत्पन्न करंट या बिजली का झटका उनके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल्स में होता है। जब इलेक्ट्रोलाइट सेल्स को उत्तेजित किया जाता है तो उन सेल के बाहरी सतह पर मौजूद आयन तेजी से चलने लगते हैं, जिससे बिजली उत्पन्न होने लगती है। इस तरह इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली अपने शिकार को मारने के लिए करीब 600 से 860 वोल्ट तक बिजली का झटका जनरेट कर सकती है, जो एक घोड़े का शिकार करने के लिए काफी है। एक बड़ी ही मशहूर कहावत है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जंगल का राजा भले ही शेर हो, लेकिन पानी का शहंशाह मगरमच्छ को माना जाता है। हालांकि कभी कभी ये कहावत उल्टी भी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिला है। शिकारी मगरमच्छ उस समय खुद शिकार हो गया जब उसने अनजाने में 660 वोल्ट बिजली का झटका देने वाली मछली पर हमला किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह अपने जबड़ों में मछली को दबाए मगरमच्छ पानी में तड़प रहा है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ऐसी मछली के बारे में पता ही नहीं है जो करंट मारती है। वीडियो में इस खतरनाक मछली का कारनामा लोगों को अब देखने को मिला है। दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक इंसान केवल इलेक्ट्रिक ईल को टच करता है और ईल उस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिससे वह इंसान उछलकर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर एक डॉग भी फिश को अपने दांतों में दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ईल अपने बचाव के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और डॉग दोबारा उस ईल को सूंघता तक नहीं, वह वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। ईल मछली खुद को खतरे में पाते ही अपने शरीर से करीब 860 वोल्ट का करंट पैदा करती है। इतना करंट किसी भी व्यस्क इंसान की जान लेने के लिए काफी है। यह मछली कितनी खतरनाक होती है इस वीडियो से आपको एहसास हो गया होगा। वैसे इस फिश से दूर रहने में ही भलाई है। वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब कर पास ही बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।